तो बच्चों हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक। और ट्रांसलेशन में हम सीख रहे हैं टेंस, और टेंस में मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर दिया और होमवर्क भी दिया, और होमवर्क सभी बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, और आकांक्षा भी बहुत अच्छा होमवर्क कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दी है, और सभी बच्चे जो पहले कमेंट कर रहे थे उनका तो कमेंट आया ही है, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, ठीक। वहाँ पर मैंने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर लिया था, और आपको उम्मीद करता हूँ कि वो समझ में आया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम इसमें होती है। तो आज जितना भी सरल से सरल भाषा में हो सकेगा मैं आपको इसे पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक। और किसी भी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सिंपल सेंटेंस की, ठीक। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, ये तो कहने की बात होती है सिंपल सेंटेंस, ठीक। कहने का मतलब ये होता है कि एक माध्यम होता है समझाने का, आपको इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ाना और सिखाना आसान हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए पूरे के पूरे पास्ट टेंस की जो पहचान होगी वो क्या होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक, ये आएगा। इसके अतिरिक्त आपको क्या मिलेगा, या था, ई थी, ए थे, ठीक। और आपको मात्राओं के साथ भी मिल जाएगा, जैसे आ की मात्रा आ था, ई थी और ए थे, इसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये आपको जहां पर मिल जाएगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा, ठीक। क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब पहचान इसकी यहां से ही समाप्त नहीं होती, पहचान यहां पर इसकी यहीं से नहीं समाप्त होती। होता क्या है कि इसमें सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं। इसमें क्या होता है, मैं दुनिया भर की कहानी यहाँ पर आपको सुनाने नहीं जा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर मैं आपको केवल, नहीं तो आपको बुक में किताबों में हर जगह मिलेगा, आपको और टीचर से भी पढ़ाएंगे कि यहाँ पर दो उपवाक्य होते हैं, एक होता है सबॉर्डिनेट क्लाज, एक होता है प्रिंसिपल क्लाज, ठीक। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ। मेन जो हमारा उद्देश्य है वह है कि आपको समझ में आना चाहिए, किसी भी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक। क्योंकि आपसे वहां पर ना तो कोई क्लाज पूछने जा रहा है और ना तो कोई उपवाक्य पूछने जा रहा है, वहां पर आपसे पूछा जाएगा तो केवल और केवल ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, ठीक। और जहां पर क्लाज की बात आती है तो वहां पर इंग्लिश ग्रामर में आपको एक अलग सा टॉपिक ही पढ़ा दिया जाएगा, क्लाज उपवाक्य के बारे में। आपको वहां पर जब वहां सेंटेंस और क्लाज आएगा तो वहां पर अलग टॉपिक भी हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आपके लिए भी आसानी हो जाएगी यहाँ पर क्लाज को समझना। तो वहां से मैं आपको यहाँ का क्लाज समझा दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि हमें केवल और केवल ट्रांसलेशन पर ही फोकस करना है, ठीक। तो यहाँ पर क्लाज कोई मैटर नहीं करता है कि क्लाज नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन नहीं आएगा, ठीक। तो वहां पर क्या होगी, फिर भाषा जो समझाने की है थोड़ा कठिन हो जाएगी, फिर आपको समझने में दिक्कत आने लगेगी। तो मैं सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक। तो ये होगा।
अब देखिए, तो यहां पर दो उपवाक्य होते हैं, केवल इतना समझिएगा, ठीक। दो उपवाक्य होते हैं, ध्यान समझिएगा, दो उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्य क्या होता है, दोनों उपवाक्य पहले या पूर्व, ठीक, या बाद या पश्चात, ठीक, से क्या होते हैं, पश्चात से दो उपवाक्य होते हैं, दोनों उपवाक्य पहले या पूर्व या बाद या पश्चात से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, मतलब दो उपवाक्य होंगे। कहने का मतलब आपको यहां पर दो पार्ट मिलेगा, ठीक, मतलब एक तरीके से कहें तो दो क्रियाएं मिलेंगी, दो सब्जेक्ट मिलेगा, दो क्रियाएं मिलेंगी, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर होता क्या है उसको समझिए, केवल मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात बता रहा हूं। और हाँ, आपको एक चीज और समझना है यहां पर, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट पीछे का नहीं समझ में आया है, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट पीछे का नहीं समझ में आया तो पास्ट परफेक्ट आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग पीछे का अच्छे से कंप्लीट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो वहां पर अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आया है तो पास्ट परफेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। चलिए देखते हैं, तो ये जुड़े होते हैं। अब क्या होगा कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक। और मुख्य क्रिया का, ठीक, मतलब मेन वर्ब का, और मेन वर्ब का, सॉरी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक। कहने का मतलब यह है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आ था, ई थी, ए थे आएगा, और दो उपवाक्य होंगे, दोनों उपवाक्य पहले या पूर्व या बाद या पश्चात से जुड़े रहेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब आप ये सोचिए, चलिए एक मैं यहां पर पहले सेंटेंस लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, उसके बाद फिर आगे कार्य करते हैं, ठीक। जैसे एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं, राम के खाने से पहले, राम के खाना खाने से पहले श्याम मैच खेल चुका था, समझिएगा बात को। तो हमने कहा, अब देखिए, राम का खाना खाना एक उपवाक्य हुआ, समझिएगा,
यहां मैं प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट कुछ नहीं बता रहा हूं, और क्या है एक उपवाक्य ये हुआ। तो देख रहे हैं एक क्रिया यहां संपन्न हो रही है और एक क्रिया यहां संपन्न हो रही है। यहां क्या हो रहा है खाना खाना, और यहां क्या हो रहा है खेलना। तो एक ही सेंटेंस में दो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, यही चीज मैं आपको बता रहा था। ठीक, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि अब देखिए यहां तो पहले से जोड़ दिए, अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं उसको बाद से जोड़ देते हैं। जैसे शिकारी के जंगल में जाने के बाद जानवर तालाब में पानी पी चुके थे। अब समझिएगा, अब यहां पर क्या है, देखिए दो सेंटेंस हैं आपके सामने। क्या है कि राम के खाना खाने से पहले श्याम मैच खेल चुका था, दूसरा शिकारी के जंगल में जाने के बाद जानवर तालाब में पानी पी चुके थे। अब समझिएगा, तो सोचिए यहां पर भी एक उपवाक्य है, यहां पर भी एक उपवाक्य है। अब समझ में आया, अब देखिए यहां पर क्या है बाद से जुड़ा है, यहां पर क्या है पहले से जुड़ा है। यही चीज मैंने यहां पर लिखा है कि दो उपवाक्य होते हैं, पहला उपवाक्य ये हो गया और दूसरा उपवाक्य ये हो गया। इस चीज को समझिएगा पहले, ठीक, दो उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्य पहले या इसके स्थान पर पूर्व भी हो सकता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, और बाद या पश्चात से जुड़े होंगे तो बाद से जोड़ दिए। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक। तो यही चीज हमने लिखा। अब बात ये आती है कि ट्रांसलेशन इसका होगा कैसे, इसका ट्रांसलेशन होगा कैसे। तो मैंने आपको बताया कि अभी हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो हम यहां पर रूल लिखेंगे, ठीक, क्या करेंगे रूल लिखेंगे। रूल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हेड, फिर क्या होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इतना तक तो समझ में आया। अब सोचिए आप लोग, आप कहेंगे सर दो सब्जेक्ट हैं, दो क्रियाएं हैं, तब कैसे होगा। तो देखिए यहां पर क्या कर दें, प्लस बिफोर, भाई बिफोर मीन्स पहले या बाद होता है ना, बिफोर से जोड़ देंगे। अब मामला क्या है वो समझने की बात है। ये हमने जो आपका लिखा रूल, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, मतलब प्योर पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका ये ट्रांसलेशन का रूल है, ठीक। कहने का मतलब इसमें से किसी एक पोर्शन का है। अब ये आपको जानना जरूरी है कि ऐसा कौन सा इसमें से पार्ट है, इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है कि जिसका ट्रांसलेशन इस रूल पर होगा। समझिएगा बात को, कि ऐसा कौन सा पार्ट इसमें है कि जिसका ट्रांसलेशन इस रूल पर होगा। अब मैं बताता हूं, ठीक, एक चीज आपको ध्यान देना है, जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं अगर ये लाइन आपके दिमाग में बैठ गई तो पास्ट परफेक्ट टेंस आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। इसी लाइन को आप लोग दिमाग में बैठाए रखिएगा, ठीक, सुनिएगा। इसमें दो कार्य हो रहे हैं, समझिएगा, राम के खाना खाने से पहले श्याम मैच खेल चुका था। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम पहले हो रहा है। राम का खाना खाना पहले हो रहा है कि श्याम मैच खेल चुका था, ये कार्य पहले हो रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। तो क्या करेंगे, अब ऐसे सोचिए, ज्यादा डीप में जाके नहीं सोचने की जरूरत है, करना क्या है कि नॉर्मली सोचना है
जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे गाना गाने से पहले वह ढोल बजा चुका था, ठीक। अब क्या है समझिए, पहले कि मेरे गाना गाने से पहले, कहने का मतलब है कि मैं गाना नहीं गाया था उससे पहले वो ढोल बजा चुका था, समझिएगा। कहते हैं ना कि आप लोग भी कुछ बोल देते हैं कि हमारे पानी पीने से पहले नल बिगड़ गया था, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि आप पानी नहीं पिए थे उसके पहले ही नल खराब हो गया था, ठीक। नल क्या हो गया था, खराब हो गया था, तो कार्य कौन पहले हुआ, नल का खराब होना। बात समझ में आ रही है, नल का खराब होना। तो ऐसे ही नॉर्मली आप देखिए कि राम के खाना खाने से पहले श्याम मैच खेल चुका था, इसका मतलब राम खाना नहीं खाया था उसके पहले ही श्याम मैच खेल चुका था, नॉर्मली सोचिएगा। नहीं तो ऐसे आप लोग सोचेंगे कि अरे राम तो पहले खाना खा रहा है, गलत। आप ऐसे देखिए, राम के खाना खाने से पहले, सुनिए सोचिएगा, पहले राम के खाना खाने से पहले क्या हुआ, श्याम मैच खेल चुका था। बात समझ में आ रही है, मतलब क्या है कि राम खाना नहीं खाया था उससे पहले श्याम मैच खेल चुका था। यह बात समझ में आई, अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो अब आपके पास कोई भी रुकावट नहीं है पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने में, ठीक। कहने का मतलब आपको यह पता हो जाए काम कौन सा पहले हो रहा है, अगर काम पहले वाला पता चल गया तो बाद वाला तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक। तो क्या है, राम के खाना खाने से पहले श्याम मैच खेल चुका था, तो इसका मतलब क्या है, श्याम मैच खेल चुका था, ये कार्य क्या हो रहा है, पहले हो रहा है, ये कार्य पहले हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, ये काम पहले हो रहा है, ठीक। तो आपको एक चीज समझना है, तो जो कार्य पहले होगा, जो जिस उपवाक्य का कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। अब बात समझ में आई, कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन इतना है, श्याम मैच खेल चुका था, इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ये जो हमने रूल लिखा है इस रूल के हिसाब से करेंगे। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो बचा अब इसका क्या होगा, तो ये जो बचा, ठीक, अब देखिए जो कार्य पहले हो रहा है इसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार होगा, टेंस के नियमानुसार होगा। बात समझ में आई, तो इसीलिए मैंने पहले रूल लिख दिया, नहीं तो बच्चे कहते सर पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल कहां है, बच्चे यही कहते हैं कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ ही रहे हैं तो उसका रूल कहां है, जो उसके रूल के हिसाब से करें, ठीक। तो इसीलिए मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लिख दिया कि यही रूल पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। लेकिन हमें जब इस तरीके का सेंटेंस मिल जाएगा, लेकिन जब हमें इस तरीके का सेंटेंस मिल जाएगा तो यह भी तो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, क्योंकि यहां पर चुका था, चुकी थी, और बीच में जोड़ने के लिए आपको कंजक्शन संयोजक मिल जाएगा, ठीक। तो अब इसका जो ट्रांसलेशन होगा, जो कार्य बाद में होगा, इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ में आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, मतलब जो कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। आप समझ में आया, अब कहेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट कहां से आ गया, पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, वहां आप जाकर अगर नहीं समझ में आया है तो पास्ट इंडेफिनिट को एक बार फिर देखिए, ठीक। वहां पर हो सकता है कि पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट वन पार्ट टू करके आपको पढ़ाया गया है, तो वहां पर दोनों पार्ट आप अच्छे से पढ़ के आइए, फिर उसके बाद आप पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो कार्य, हाँ जो स्टेटमेंट था वो ये हमारा था, ये याद में रखना है, दिमाग में रखना है कि जिस उपवाक्य का या जो कार्य
पहले होगा, इतना याद रखना है। क्या? जो कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। फिर से क्या बोला मैंने कि जो कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार करेंगे। अब बात समझ में आई? चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो एक स्टेटमेंट ये आपको अगर समझ में आ गया तो मैं आपको दूसरा स्टेटमेंट देता हूं। ठीक, तो यहां पर क्या करें, थोड़ा सा लिख दें, लिख देते हैं, जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमानुसार और जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं। अब बात समझ में आई? ठीक, जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार, और जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। ये आपको बात समझ में आई? चलिए, अब यहां पर जो दूसरी बात है, यहां पर जो दूसरी बात है उसको ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में देखिएगा और ध्यान समझिएगा। चाहे कार्य पहले हो या बाद में, समझिएगा, चाहे कार्य बाद में हो या पहले हो, ठीक, हमेशा इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे। दोनों चीजों में अंतर है, आप इस अंतर को अच्छे से समझिएगा। क्या अंतर है? पहले मैंने कहा है आपसे कि जो कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। ठीक, ये एक स्टेटमेंट। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं कि चाहे कार्य पहले हो या बाद में, ठीक, चाहे कार्य पहले हो या बाद में, इसका ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, बिफोर से वाक्य को जोड़ देंगे, उसके बाद जो कार्य, सॉरी, यहां कार्य से मतलब ही नहीं है, हमेशा इस साइड का ट्रांसलेशन पहले करेंगे और इस साइड का ट्रांसलेशन बाद में करेंगे। ठीक, यहां पर मैं आपको सबॉर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लास में जाकर उलझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, वो तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपके लिए बेहतर होगी। ठीक, इस तरफ का ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं और इस तरफ का ट्रांसलेशन हम बाद में करते हैं। ठीक, ये चीज बात समझ में आई? इसको ध्यान देने की जरूरत है, इस तरफ का ट्रांसलेशन पहले करते हैं और इस तरफ का ट्रांसलेशन बाद में करते हैं। अब कितने बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कार्य ये पहले हो रहा है इसलिए पहले कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिए कि मैं कह रहा हूं कि चाहे कार्य बाद में हो या पहले हो, चाहे कार्य बाद में हो या पहले हो, हमें क्या करना है,
इस तरफ का ट्रांसलेशन पहले करना है, ठीक, और इस तरफ का ट्रांसलेशन बाद में करना है। ये स्टेटमेंट समझ में आया? ठीक, तो अब दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैंने क्या बताया कि जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार, और जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। और चाहे कार्य बाद में हो या पहले हो, इस तरफ का ट्रांसलेशन पहले करेंगे और इस तरफ का ट्रांसलेशन बाद में करेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी? यही बात अगर आपके दिमाग में घुस गई, ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक, चलिए, ये तो पहले की बात हो गई। अब जो मैं दूसरा सेंटेंस लिखा हूं इसमें भी समझ लेते हैं। इसमें मैंने लिखा कि शिकारी के जंगल में जाने के बाद जानवर तालाब में पानी पी चुके थे। अब आप ये बताइए कि यहां पर कौन सा कार्य पहले हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। ठीक, तो आप सोचिए, शिकारी के जंगल में जाने के बाद, ठीक, शिकारी के जंगल में जाने के बाद क्या हुआ था? जानवर पानी पिए थे। कहने का मतलब यह है कि यह कार्य पहले हुआ, मतलब पहले शिकारी जंगल में पहुंचा उसके बाद जानवर पानी पिए, तो कार्य पहले हुआ। ठीक, तो इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि पास्ट परफेक्ट, सॉरी, जो कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। ठीक, और जो कार्य बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। अब सोचिए कि इसका मतलब ये कार्य पहले हो रहा है। अब देखिए, यहां पर ये कार्य पहले हो रहा था, श्याम मैच खेल चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार कर रहे थे। यहां ये कार्य पहले हो रहा है, इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। यहां पर और जानवर तालाब में पानी पी चुके थे, ये कार्य बाद में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार होगा। अब बात समझ में आई? अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये, अब देखिए, आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, यहां पर जो क्या है सेंटेंस है, अब आपके मन में अगर ये रहा हो कि ये कार्य पहले हो रहा था इसलिए इसका ट्रांसलेशन पहले कर देंगे, तो गलत सोच रहे हैं। मैंने कहा कि कार्य चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, इस तरफ का ट्रांसलेशन पहले करेंगे। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ कार्य पहले हो रहा था इसका ट्रांसलेशन पहले कर देते हैं, यहाँ ये वाला पहले हो रहा है इसका ट्रांसलेशन पहले कर देते हैं, गलत सोच रहे हैं। ठीक, हमेशा इस तरफ का ट्रांसलेशन पहले होगा। ठीक, भले यहाँ पर ये कार्य पहले हो रहा है, तो पहले हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। ठीक, और इस तरफ है तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। बात समझ में आई? और पहले करेंगे। अब देखिए, अब यहां पर ये कार्य बाद में हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार होना चाहिए। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार ये होगा, तो अब चाहे हमने कहा कि कार्य बाद में हो या पहले हो, तब भी इसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। और इस तरफ का ट्रांसलेशन अब बाद में करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, क्योंकि यह कार्य पहले हो रहा है। अब बात समझ में आई? अगर अब भी नहीं समझ में आई है, तो अभी और रूल और एग्जाम्पल देकर मैं और समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, रूल लिख देते हैं। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल पता होगा, फिर भी मैं यहां पर पूरा का पूरा रूल लिखते हुए चलूंगा। आपको अगर भूला है तो आपको याद आ जाए, नहीं तो मैं क्या करता, केवल और केवल यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखकर आगे निकल जाता, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दे रहा हूं। तो देख रहे हैं, सब्जेक्ट हैड। अब सोचिए, पहले आप ये, मैं केवल और केवल किसका रूल लिख रहा हूं, ये देखिएगा, बिफोर। कहने का मतलब, जब पहले या पूर्व से वाक्य जुड़ेगा, ठीक, मतलब जब पहले या पूर्व से वाक्य जुड़ेगा तब उसका मैं यहां पर रूल बना रहा हूं। तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड भूल गए, ठीक, अदर वर्ड होगा,
ठीक, अदर वर्ड फिर प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा, बिफोर से जोड़ देते हैं, बिफोर से जोड़ दिए। अब उसके बाद फिर दूसरे तरफ वाला सब्जेक्ट आएगा, तो फिर यहां लिखते हैं सब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सब्जेक्ट फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार होगा तो मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म होगा। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का रूल, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वहां पर आपको रूल जाकर फिर से पढ़ना होगा। ठीक, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड और उसके बाद फुल स्टॉप। ये आपका बिफोर से संबंधित रूल आपका बना, ये आपका क्या हुआ, बिफोर से संबंधित रूल बना। कैसे, अब एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन करके। अब ट्रांसलेशन इसका करते हैं, कैसे करेंगे, पहले वही ट्रांसलेशन लिख लेते हैं जो मैंने आपको बोला था कि राम के खाना खाने से पहले श्याम मैच खेल चुका था। राम के खाना खाने से पहले श्याम मैच खेल चुका था। अब देख रहे हैं चुका था, पहले से वाक्य जुड़ा। ठीक, अब आपको केवल, अब ये ट्रांसलेशन हमें पहले करना है। ठीक, ये ट्रांसलेशन हमें पहले करना है, ये मैंने आपको बताया था, ये ट्रांसलेशन इस तरफ वाला हमें क्या करना है, पहले करना है। लेकिन हमें ये तो पता हो कि कार्य बाद में हो रहा है कि पहले हो रहा है। अगर बाद में हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, और पहले हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन इसका, जो श्याम मैच खेल चुका था, श्याम मैच खेल चुका था, तो इसका ट्रांसलेशन हमें पहले करना है। लेकिन पता तो हो कार्य पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है, तो पता करते हैं, श्याम के खाना खाने से पहले श्याम मैच खेल चुका था। कहने का मतलब श्याम खाना नहीं खाया था, उसके पहले ही श्याम मैच खेल चुका था, तो कार्य क्या हो रहा है, इसका मतलब श्याम पहले खाना, सॉरी श्याम पहले मैच खेल चुका था, ये कार्य पहले हो रहा है, इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे। इसलिए पहले नहीं कर रहे कार्य पहले हो रहा है, इसलिए कर रहे कि ये इधर है। ठीक, तो लेकिन पता किस लिए कर रहे हैं कि किस टेंस में हम करें, तो यहां पर क्या है, ये हो जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार होगा, कार्य पहले हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट श्याम है, तो क्या कर देंगे, श्याम, अब हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड, श्याम हेड, खेलना क्या होता है, प्ले, तो प्लेड, श्याम हेड प्लेड मैच, श्याम हेड प्लेड मैच। अब देख रहे हैं सब्जेक्ट हेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड में कुछ नहीं है, छोड़ देते हैं। उसके बाद अब क्या करें, हम बिफोर से जोड़ देंगे, क्योंकि पहले की स्पेलिंग ही बिफोर होती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बिफोर, इतना हो गया। अब राम के खाना खाने से पहले, मतलब राम का खाना खाना, राम खाना खाया, ये वाला सेंटेंस हम क्या करेंगे, अब बाद में करेंगे। ठीक, क्योंकि हमने बताया इस तरफ का ट्रांसलेशन हम बाद में करते हैं। ठीक, तो राम के खाना खाने से पहले, तो राम के खाना खाना, ये वाला ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, बाद में करें। तो बाद में करने के लिए क्या है, आपको हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, और मैंने यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल लिख रखा है। आप ये कोई नहीं सोचेगा कि सर इतना बड़ा सा रूल है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर दो लाइन का तो रूल बना दिए, अब इसको रटेगा कौन, भैया रटने के लिए आपको कौन बोल रहा है, आपको तो पहले से ही बताया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल है ये। ठीक, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का रूल, अगर पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का रूल भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पीछे वहां पर आपको बहुत डिटेल से और अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ठीक, तो और पास्ट परफेक्ट का रूल बचा है, और इसमें भी कुछ नहीं है, केवल हेड जोड़कर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, अब बिफोर यहां पर जोड़कर पास्ट इंडेफिनिट का रूल बनाना है, इतना ही तो करना है। ठीक, तो अब क्या है, राम
अब ईट का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे एट, राम एट फूड, राम एट फूड। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। एक एग्जांपल और दे दें, एक एग्जांपल और दे देते हैं। चलिए सुरेश के स्कूल सुरेश के स्कूल जाने से पहले मुकेश मुकेश किताब पढ़ चुका था। ठीक, सुरेश के स्कूल जाने से पहले मुकेश किताब पढ़ चुका था। अब देख रहे हैं यहां पर चुका था पहले से जुड़ गया, मतलब दो उपवाक्य, सुरेश का स्कूल जाना और मुकेश का किताब पढ़ना दो है। अब ये वाला ट्रांसलेशन हमें पहले करना है, लेकिन पता हो कि ये कार्य पहले हो रहा है कि बाद में, तो पता करें। सुरेश के स्कूल जाने से पहले, कहने का मतलब सुरेश स्कूल नहीं गया था, उससे पहले मुकेश किताब पढ़ लिया था, तो ये वाला कार्य पहले हो रहा है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। कहने का मतलब हैड जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी इसी में आएगी, तो क्या हो जाएगा, मुकेश हैड, तो रीड का थर्ड फॉर्म वही होता है, मुकेश हैड रेड द बुक। ठीक, मुकेश हैड रेड द बुक। अब बिफोर से जोड़ दें, बिफोर से जोड़ देते हैं, और इसका ट्रांसलेशन अब बाद में हो रहा है, मतलब बाद में ये कार्य हो रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सुरेश जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, सुरेश वेंट टू स्कूल। अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आपके आ गई होगी। ठीक, तो आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं, केवल बिफोर वाला, अभी बिफोर में थोड़ा सा और एक तरीके का रूल बचा है, उसको हम अगले वीडियो में आपको बता के फिर कल आफ्टर वाला भी कंप्लीट करेंगे, और आज इतना ही। तो आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, तो हम अगले वीडियो में उसको फिर से रिपीट कर देंगे, या आपको जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक, इसको केवल आप वीडियो क्लास ना माने, इसको आप अपनी क्लास मान के चलिए, कि नहीं समझ में आया आप बोलिए, फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक वीडियो और उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो होमवर्क के रूप में कुछ सेंटेंस आप लोग लिखेंगे और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक, तो लिखिए, मेरे अंग्रेजी पढ़ाने से पहले विद्यार्थी हिंदी पढ़ चुके थे। राधा के किताब खरीदने से पहले राधा के किताब खरीदने से पहले श्याम केला बेच चुका था। तुम कल अपने भाई के साथ कहाँ घूम रहे थे? तुम कल अपने भाई के साथ कहाँ घूम रहे थे? राजेश कानपुर में
किताब क्यों नहीं बेचता था, क्यों नहीं बेचता था। आरोही आरोही आठ दिन से आरोही आठ दिन से दुकान पर क्यों नहीं जा रही है। ठीक, तो ये आपको ट्रांसलेशन करना है। हाँ, एक गलती हुई थी बच्चों के द्वारा, जो मैं वहाँ बरसात वाला बोला था, इट तो लगाए थे लेकिन एक बच्ची ने ऐसे किया था इट्स, तो ये गलत है। वहाँ पर आपको टाइम दिया गया था, अगर आपको लिखना है तो इट इज पूरा लिखिए। ठीक, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, अभी यहाँ पर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है एपोस्ट्रॉफी लगाने की वहाँ पर। तो अभी आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता नहीं थी और इज एम आल लगाने के लिए सोचने लगे। एक दो ट्रांसलेशन में मैंने देखा था इट के साथ ऐसे ही किया गया था, तो वहां पर गलती नहीं करना है। वहां पर मैंने ऐसे कुछ बोला था कि चार घंटे से बरसात हो रही है, ठीक ऐसा ही कुछ बोला था। तो वहां पर चार घंटा टाइम था, तो इट हैज बीन लगना चाहिए था वहां पर। ठीक, क्या लगना चाहिए था, ऐसे इट हैज बीन। और ये गलती बार बार किसके द्वारा हो रही है, शिवानी के द्वारा ये गलती की जा रही है बार बार। वहां पर उन्होंने एक बार और किया था, जब डिड लगाना था तो वहां पर उन्होंने इट ऐसे किया था। अब इसको हैड समझे कि डिड समझे, ठीक, तो वहां पर पूरी की पूरी आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अभी अभी कल वाले ट्रांसलेशन में यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा दिए, और जो कि टाइम वाला था और इज एम आर वहां लगेगा ही नहीं, क्या लगना चाहिए था, हैज बीन। तो दोबारा अब ये गलती देखने को ना मिले। ठीक, अभी जब मैं छोटे से सिखा रहा हूं तो आप लोग भी छोटा छोटा ही करें ना, इतना आगे क्यों जा रहे हैं। तो अब दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो बस आज इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस के साथ ही, और वो भी बिफोर का भी और पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद सिंपल में ही आफ्टर की बात करेंगे। ठीक।